डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो एक लाइफ चेंजिंग जगह है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से। अगर मैं बात करूँ कि जिंदगी किस तरह बदली जाती है या बदल दी जाती है, तो मैं खुद जो है इसका एक बेनिफिशियरी रह चुका हूँ, क्योंकि मैं जब इस इदारे में आया था मेरी उम्र जो है बस 13 साल थी और मुझे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में या व्हीलचेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बट मेरी फैमिली जो है वो सपोर्टिव थी, बट व्हीलचेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं था, क्योंकि मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और फैमिली को डिसेबिलिटीज़ के बारे में इतना नो हाउ नहीं है। मैं अपने घर में क्रॉलिंग करता था, बट जब मैंने देखा कि इस इदारे में व्हीलचेयर दी जाती है या इस तरह के बच्चों के ऊपर काम किया जाता है, तो फैमिली ने भी पहले भेजने से पहले काफ़ी सवाल किए, काफ़ी वो परेशान थे कि हम अपने बच्चे को इस तरह के इदारे में भेज रहे हैं, पता नहीं कैसा जा रहा हो क्या हो। बट जब मैं यहाँ पे आने शुरू हुआ और उसके बाद मेरी लर्निंग्स हुई डिसेबिलिटी के बारे में, व्हीलचेयर का कॉन्सेप्ट पता चला, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता चला, तो फिर मैं यहाँ पर मतलब आने लगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं, मैं आज डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज अ जनरल सेक्रेटरी जो है मैं काम कर रहा हूँ। और अपने जैसे दूसरे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो कि पोलियो से अफेक्ट हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, किसी ना किसी डिसेबिलिटी से जो है वो अफेक्ट हैं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन है, जैसे जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे तालीम दी, मुझे जॉब दी, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि मैं इस सोसाइटी में जो है वो स्टेबल रह सकूँ या सर्वाइव कर सकूँ। क्योंकि पढ़ा लिखा शख्स अगर अपने घर में बाउंड रहेगा, उसके पास व्हीलचेयर नहीं होगी, उसकी मोबिलिटी इंश्योर नहीं होगी, तो आई थिंक कि आप जितने पढ़े लिखे हों या जितने आपके अंदर अवेयरनेस हो, आप जो है सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके लिए जो है आपको मोटिवेशंस चाहिए, आपको डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो ये इदारा है या इस तरह के इदारे जो है वो आपको चाहिए ताकि आप जो है सर्वाइव कर सकें। हम बात करते हैं सोसाइटी की, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी जिंदगियों का ना, तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट तो करे पहले, वो हम लोगों को मतलब एक पहले ह्यूमन तो जो है मतलब माने, इंसान तो माने, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है वो हमारी बनाई हुई नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई है, और हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पे भी जो है शक या कोई वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, हमें जिस तरह के एक नॉन डिसेबल शख्स के हकूक हैं कि वो स्कूल जाए, वो जॉब करे, वो मॉल्स में जाए, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करे, सही पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को अतियात दीजिए।